अभी हम आ पहुंचे हैं डॉक्टर साहब की क्लिनिक पे, तो वो तो खुद है नहीं और क्योंकि हमने ना इधर फोटो लिए हैं, ये बैकग्राउंड आपको नजर आ रहा होगा। मेरा मामू कहता है कि आप सब लोग हमारे लिए दुआ करें ताकि हमारी वीडियो जो है ना वो जल्दी से वायरल हो जाए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है, तबीयत से ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी ठीक हूँ और मेरा मामू जो है ना ये भी बिल्कुल ठीक ठाक है। मेरा चैनल जो है ना, खुशखबरी है मेरे लिए, जो पुराना था वो हो गया है रिकवर वापस, लेकिन मैं जो है ना एक हफ्ते के बाद उस पर दोबारा काम स्टार्ट करूँगा। ये जो है उर्दू में मेरा इस चैनल पे पहला व्लॉग है, तो उस चैनल पे है ना उस पे हम सराकी व्लॉग और जो सराकी वगैरह बातें जो हमारा कच्चा है वो दिखाएंगे, लेकिन इस पर जो हमने उर्दू व्लॉग बनाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं शहर, थोड़ा काम है, तो दुआ करो। हाँ, मेरा मामू कहता है कि आप सब लोग हमारे लिए दुआ करें ताकि हमारी वीडियो जो है ना वो जल्दी से वायरल हो जाए। इंशाल्लाह। तो अभी हम जा रहे हैं शहर, लेकिन व्लॉग शुरू करते हैं, उससे पहले आप सब लोग मेरा चैनल कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें यार, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, मेहरबानी होगी। मेरा मामू भी कह रहा है और मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन इन्होंने 30 वाली ऐनक पहनी हुई है, लेकिन ये है जो ये मेरे मामू हैं शबीर हुसैन बहेस्ती, अल्लाह उनके वो जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, ये उनकी निशानी है, तो इसलिए मेरे मामू ने पहनी हुई है। तो फिलहाल हम चल जा रहे हैं शहर, उधर जाके आपको बताते हैं कि हम यहाँ आए क्या करने थे। व्यूअर, हम ना शहर को क्रॉस करके आ गए हैं एक गाँव में, गांव में आए हैं डॉक्टर से मिलने के लिए, क्योंकि वो पहले बैठा था शहर में, अब वो आ गया है अपने आबाई इलाके गांव में, तो हम उससे मिलने के लिए आए हैं। वो जो मेरे मामू हैं ना, ये इनकी जो है ना वो नानी, वो थोड़ी सी बीमार हैं, तो उनके लिए हमने दवाई लेनी है उनसे, तो इसीलिए अभी हम जा रहे हैं उनके घर वापस। और माशाल्लाह फसलें जो है ना हमारे गाँव की, धूप नहीं निकल रही ना, इसलिए अभी तक फसल तैयार नहीं हुई। पिछले साल तो इस टाइम तकरीबन तैयार हो गई थी, लेकिन अभी तक तैयार नहीं हुई। तो अभी हम चलते हैं डॉक्टर के पास और चल के उससे दवाई लेते हैं और वापस घर चलते हैं। व्यूअर, अभी हम आ पहुंचे हैं डॉक्टर साहब की क्लिनिक पे, तो वो तो खुद है नहीं क्योंकि देखें वो जो है ना दरवाज़ा उनका बंद है, और हमने ना इधर फ़ोटो लिए हैं, ये बैकग्राउंड आपको नज़र आ रहा होगा, वो गए हैं इधर साथ ही मस्जिद है नमाज़ पढ़ने के लिए। अभी वो आ जाएँ, हम उनसे लेते हैं दवाई और फिर वापस घर को चलते हैं यार। व्यूअर, हमने ले ली है दवाई, ये देखें माशाल्लाह, और डॉक्टर साहब बहुत ही लेट आए हैं, तकरीबन आधे घंटे के बाद, आधे घंटा हम उसकी क्लिनिक पर बैठे रहे हैं। तो अभी हमने दवाई ले ली है, तो फिर हम अभी वापस जा रहे हैं घर, क्योंकि शहर जाके टीका भी लेना है, उन्होंने एक ले के दिया है उनको लगाने के लिए दादी को, तो फिर दवाई भी खिलानी है शाम को, तो इसलिए अभी हम वापस घर को जा रहे हैं। विवर, हम लोग आ पहुँचे हैं फिलहाल अपने नानू के घर, क्योंकि हमने इधर से लेनी है बर्फ़, क्योंकि आपको पता है ना कि रमज़ान चल रहा है और अफ्तारी का टाइम भी करीब है, तो उधर से तो हम दवाई वगैरह लेके आ गए थे। तो अभी मैंने सोचा, मैंने अब को कहा कि आप घर चले जाएँ मऊ जाबिर के साथ, और मैं इधर से मतलब नानू के घर से बर्फ़ उठा के फिर मैं वापस घर आ जाऊँगा। तो फिर कुछ देर बाहर खड़े रहे हैं मामू के साथ और अभी आए हैं बर्फ़ उठाने के लिए, इधर से बर्फ़ उठाते हैं और घर चलते हैं और रोज़ा इफ्तार करते हैं, और आपको दिखाएंगे कि हम लोग कैसे रोज़ा इफ्तार करते हैं, क्योंकि हमारा पहला व्लॉग है ना, तो हम चाहते हैं कि आपको रूटीन बाई रूटीन, रोज़ाना बाई रोज़ाना, डेली बाई डेली आपको सब चीज़ दिखाएँ रूटीन के मुताबिक। फ़ाइनली व्यूअर, हम आ पहुँचे हैं वापस घर को और अफ्तारी हो गई है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि दिन भी बहुत ढल चुका है, रात अंधेरी हो गई है, देखें नहीं नहीं अभी थोड़ा थोड़ा रहता है, अभी थोड़ा थोड़ा दिन रहता है तो अंधेरा तो होने वाला है ना, तो इधर ही हम करते हैं आज के व्लॉग का एंड। तो इंशाल्लाह रोज़ाना हमारा उर्दू में व्लॉग आएगा, तो अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर वीडियो को लाजमी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए इस कोझे मुँह के साथ बाय बाय।